पिछले दिनों मुझे कई सारे ऐसे मैसेजेस मिले, कई सारी कमेंट्स मिली, खास करके मेरी वीडियो स्टोरीज पे भी और मेरी दूसरी चैनल द जंगल बुक ऑफ इंडिया के वीडियोस पे भी, कि अगर सासण गिर सफारी करना चाहते हैं तो कौन सी बातों का खास ध्यान रखा जाए। दोस्तों, एक या दो ऐसी बातें नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर इसको ध्यान में नहीं रखा तो शायद ये ट्रिप आपको महंगी पड़ सकती है या फिर आप थोड़े डिसअपॉइंट हो सकते हो। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। जो लोग सिर्फ एशियाटिक लायन के लिए ही यहाँ पर आते हैं, उन लोगों के लिए भी काफ़ी सारे ऐसे दूसरे पहलू हैं इस जंगल के जिनमें उनको ज़्यादा रुचि होगी। तो अभी हम पहुँच चुके हैं सिंह सदन, जो कि सासण गिर में है। ये हेडक्वार्टर है गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क का, और यहीं से सासण गिर सफारी के टिकट्स बुक होती है। अगर आपने ऑनलाइन बुक नहीं करवाया है तो आपको वो पहले करना पड़ेगा, और परमिट जो है वो आपको पहले से ही बुक करानी पड़ेगी। बाकी क्या रूल्स हैं और बाकी क्या एक्सपेंसेस हैं वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आइए देखते हैं, अंदर चलते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर दिन में 3 सफारीज ऑर्गेनाइज हो जाती है, एक तो सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक, 6 AM to 9 AM, दूसरी है 8:30 AM to 11:30 AM, एंड तीसरी जो है वो 3 PM to 6 PM। और अकॉर्डिंग टू मी जो सुबह वाली सफारी होती है वो कार्निवोरस को, खास करके लायन और लेपर्ड्स को देखने के लिए सबसे ज़्यादा माकूल टाइम माना जाता है। इसका कारण है कि शाम के बाद, मतलब 7-8 बजे के बाद, जब माहौल थोड़ा ठंडा हो जाता है, धूप चली जाती है, उस वक्त जानवरों की मूवमेंट्स जंगल में बढ़ जाती है, और ये मूवमेंट्स सुबह 7:30 बजे तक रहती हैं। और सुबह धूप निकलने से पहले शेर और दूसरे जानवर अंदरूनी हिस्सों में, जहाँ पर घने पेड़ पौधे होते हैं या झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर आराम करने से पहले पानी पीने ज़रूर आते हैं। तो पानी के स्रोत के आसपास मूवमेंट्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं। दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर आपने परमिशन नहीं ली है तो आपको एडवांस में ही ई परमिट यहाँ पर निकलवानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद अगर परमिट फुल हो चुकी होगी तो आपको डिसअपॉइंटमेंट फील करनी पड़ेगी। गिर ओरिएंटेशन सेंटर में ये सारी मर्चेंडाइजेस मिल रही हैं, जिसपे गिर के और लायंस के एम्बलम्स लगे हुए हैं, ये कैप्स, टी शर्ट्स और दूसरी चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, टॉयज एंड वगैरह, ट्रैक्स भी मिल जाएंगे। एशियाटिक लायंस के प्रिंट्स वाले टी शर्ट्स अपनी साइज के हिसाब से आप यहाँ से खरीद सकते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे परमिट के बारे में। अगर आपने एडवांस में परमिट निकलवा ली है तो फिर आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आके सिर्फ जिप्सी और गाइड को ही हायर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने परमिट नहीं निकलवाई है तो आप पहले से ही, मैं आपको उस वेबसाइट जो कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की ऑथेंटिक वेबसाइट है उसका URL नीचे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप परमिट निकलवा लीजिएगा। उनके चार्जेस क्या हैं, खास करके जिप्सी के क्या चार्जेस हैं और क्या गाइड के चार्जेस हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी जाएगी। और ये विंडो जो है, ये विंडो सासण गिर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट के द्वारा जो यहाँ पे गेस्ट हाउस चलाया जाता है, जिसे सिंह सदन कहते हैं, वहाँ पर कैसे बुक करवाएं, तो उसके लिए पूरा चार्ट है। आप देख लीजिए कि एसी रूम के क्या चार्जेस हैं, क्या ब्रेकफास्ट और डिनर के चार्जेस हैं, यहाँ पर आपको बोर्डिंग के एक्स्ट्रा चार्जेस क्या लगते हैं, टाइमिंग्स क्या हैं, शेड्यूल्स क्या हैं इनके, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और साइड में लगा ये जो बोर्ड है, यहाँ पर गुजरात की दूसरी सेंचुरीज एंड दूसरे नेशनल पार्क्स जो हैं उनका पूरा ब्यौरा दिया गया है, तो आप पॉज करके वो सारी इन्फॉर्मेशन अभी देख सकते हैं। गिर फॉरेस्ट यानी कि गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क 1412 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। इसमें 3 टाइप की आप सफारी कर सकते हैं, हालांकि इनमें से 2 सफारी ऐसी हैं जो एक टाइप की कैप्टिव कंडीशंस में शेरों को रखे हुए हैं, जैसे कि अंबरली सफारी पार्क और देवलिया सफारी पार्क, जिनमें 4 से लेकर 6 किलोमीटर्स के जंगल को फेंसिंग से कॉर्डन कर लिया गया है, और उनमें से आपको शेर जो है बाकायदा देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये जो सबसे बड़ी सफारी कही जाती है वो है सासण गिर की सफारी, जो आज हम करने वाले हैं 3 to 6। और ये सफारी वैसे तो सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सुबह 6 to 8 वाली सफारी करें, ताकि उनमें से आपको शेर जो है देखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 3 to 6 की सफारी हम यहाँ से निकलेंगे,
और यहाँ के क्या डूज एंड डोंट्स हैं वो आपको यहाँ से जानने को मिल जाएंगे। बिंग अ वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर, मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि डूज एंड डोंट्स पढ़ के ही जाएं। वैसे तो बहुत ही लॉजिकल चीज़ है, अगर आप एक वाइल्ड लाइफ लवर हैं या नेचर लवर हैं तो आपको ये अपने आप ही मालूम होगा कि जंगल में जाके क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर भी एक बार हम आइए देख लेते हैं डूज एंड डोंट्स। तो ये है यहाँ के डूज एंड डोंट्स। वैसे तो लॉजिकली ये समझाने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप एक नेचर लवर हैं कि जंगल में क्या करना चाहिए और क्या प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए, लेकिन फिर भी फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये पढ़ के जंगल में जाना बहुत ज़रूरी बन जाता है। और यहाँ पर आप जिनको देख रहे हैं वो सारे गाइड्स हैं जो सफारी में आपको गाइड करेंगे। यहाँ पे आने के बाद अगर आपने परमिट ले ली है तो यहाँ पे आने के बाद आपको जिप्सी और गाइड हायर कर सकते हैं। तो अब हमारी जिप्सी निकल पड़ी है, अब हम भांबा फोर नाके से सीधे रूट नंबर 6 की ओर जाएंगे। अलग अलग जिप्सीज के लिए अलग अलग रूट जो हैं यहाँ से ही तय किए जाते हैं, जो कि आप सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं वो आपको डिपार्टमेंट खुद सिलेक्ट करके देगा। हाँ, जैसे कि परिवर्तन संसार का नियम होता है, जब से यहाँ पर टूरिस्ट का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तब से यहाँ पर भी काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आ गई हैं। खास करके एंट्री गेट्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव बना दिए गए हैं, बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर भी लाए गए हैं, यहाँ तक कि जंगल के अंदर काफ़ी एरिया में और बाहर भी CCTV कैमराज लगा दिए गए हैं। तो हमारी सफारी की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन मैं आपको पहले से ही बता दूं कि यहाँ पर आने वाले सारे लोगों को सफारी में एंटर करने से लेके सफारी से एग्जिट करने तक बहुत सारे ख्याल दिमाग में आते हैं, ख़ास करके शेर जब नहीं दिखते हैं तब, या फिर दूसरे जानवर ख़ास करके लेपर्ड हाइनाज ऐसे कार्निवोरस नहीं दिखते हैं तब। मैं आपको बता दूँ कि एक तो सबसे पहले शेरों का दिखना बहुत ही लक के ऊपर डिपेंड करता है, और ज़्यादातर लोग शेर ना दिखने की वजह से इतने डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यहाँ की बाकी की डाइवर्सिटी को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर देखने लायक, जानने लायक और महसूस करने लायक इतनी डाइवर्सिटी है इन द वाइल्ड कि अगर आप उसको महसूस करोगे तो आपको आपकी ट्रिप सक्सेसफुल लगेगी। हालांकि मेरी ट्रिप की शुरुआत तो बहुत ही शानदार हो गई यार, सच बोलूँ तो मेरा फेवरेट बर्ड जो है मुझे नहाते हुए दिख गया और मैं उसका मिनटों तक शूटिंग करता रहा। यस, हनी बजार्ड जो कि एक बाज है और वो शहद सबसे ज़्यादा पसंद करता है, शहद खाना। तपतपाती हुई धूप में हनी बजार्ड ने पानी में बड़े मज़े ले लिए और हमने उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने के मज़े ले लिए। हाँ, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जिप्सी और गाइड को बुक करने के साथ साथ आपको कैमरा के 200 रुपीज़ भी एक्स्ट्रा पे करने होते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। जंगल में आगे आपको कई ऐसी जगह भी मिल जाएगी जो आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा उदाहरण देगी, इंसानों और शेरों का घुल मिलकर रहना। जी हाँ, जंगल के बीचों बीच इंसानी आबादी, और इस आबादी को कहा जाता है नेस, यानी कि मालधारियों का नेस। ये पीढ़ियों से जंगल में रहते हैं और यहाँ पर पशुपालन का कार्य करते हैं। शेरों के साथ इनका रोज का उठना बैठना है और कई बार तो शेर और तेंदुए इनके मवेशियों को भी मार के खा जाते हैं, फिर भी ये कभी इन जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। वैसे तो जंगल में कहीं पर भी आप जिप्सी से नीचे पैर नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पर 3 घंटे की जर्नी में, 3 घंटे की सफारी में एक सुनिश्चित जगह पर आपको फ्रेश होने के लिए एक होल्ड दिया जाएगा। Hey guys, this is Samir and you are watching Gujju Box, Gir Wildlife Sanctuary and National Park ni safari tour par chhe tere mein and haju sudhi lion to nahi dekhana but je birdings karva aaya chhe mari sathe mara banne nephews mara friend na son and daughter they all are wildlife lovers so this is Darshit and this is Shreya, say guys hi. Hi. And Darshit mane ke kai kai vastu athe sudhi ma apne sight kari આપણે અત્યાર સુધીમાં એક હની બઝર્ડ જોયું, એક કિંગ વલ્ચર જોયું અને આપણે એક નાઇટ ચર જોયું છે. એન્ડ બિલીવ મી ગાઈઝ, હની બઝર્ડ ને નાતા જોવું, એને પાણી સાથે મસ્તી કરતા જોવી, એને વિડીયો બનાવવો, એની
બહુ જ નજીકથી ફોટોગ્રાફી કરી. આઈ થિંક બહુ રેર કેસમાં જોવા મળતા હોય છે. અને એક તમે નાઇટ બર્ડ જે નાઇટ ચાર. સો થોડી વારની અંદર હવે અમે જઈ રહ્યા છીએ એક એવા લોકેશન ઉપર જ્યાં પોસિબિલિટીઝ છે કે લાયનનું લોકેશન હોય, બટ ત્યાં સુધી વી નીડ ટુ કીપ કામ. પર હમે કા માલુમ થા કે સેકન્ડ હાફ કી શરૂઆત મે હી હમારી આતુરતા કા અંત આ જાયેગા. અચાનક સે હમ આગે બઢે ઓર કહીં સે કોલ આ ગયા. અરે યે કોલ મતલબ મોબાઈલ પે નહીં ભૈયા, યે વાઇલ્ડ લાઇફ કા કોલ હૈ ઓર યે વોર્નિંગ કોલ હૈ. ફાઇનલી બહોત જ્યાદા ઘૂમને કે બાદ એક મેલ લાયન દેખને કો મિલા હૈ ઓર વો પીછે उस झाड़ियों में छुप के बैठा है. आपको जान के हैरानी होगी कि ये सिर्फ अकेला शेर नहीं था उस जगह पे, वहां पर इसके साथ इसकी 3 शेरनियाँ और 5 बच्चे, टोटल 9 शेरों का प्राइड उस जगह पर था. लेकिन ये शेर अकेला ही वहाँ पर विजिबल था, बाकी के 8 शेर अंदर की जगह मतलब जंगल के अंदरूनी हिस्से में झाड़ियों में कहीं पर आराम कर रहे थे. वीडियो जाना. मैंने जैसे कि आपको पहले ही से ही कहा था कि आपको सफारी करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ख़ास करके तीसरी बात आप गांठ बांध लीजिए कि अगर आप सफारी विज़िट करना चाहते हैं तो हो सके तो सैटरडे संडे या फेस्टिव सीज़न पे मत कीजिए, क्योंकि उस टाइम पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर रहता है और इसी वजह से जो एनिमल्स होते हैं वाइल्ड एनिमल्स वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, इसीलिए वो ट्रैक पर ज़्यादा दिखते नहीं, वो इंसानी मूवमेंट्स की वजह से अंदरूनी इलाकों में चले जाते हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं या घने पेड़ पौधे होते हैं उसके आसपास चले जाते हैं और वहाँ पर जाने की आपको अनुमति नहीं होती बिल्कुल. इस सफारी ट्रिप में मैंने एक और आश्चर्य वाली बात महसूस की और वो थी हमेशा शाय बट एनर्जेटिक रहने वाला तेंदुआ हमने देखा, लेकिन अलग अंदाज में देखा. हमेशा 4-5 से ज़्यादा लोगों को देख के भाग जाने वाला तेंदुआ, जिसको आप 5-7 सेकंड्स भी हार्डली देख सकते हैं, वो हमारे सामने मिनटों तक सोता रहा. फिर हमारे गाइड ने हमें बताया कि ये तेंदुआ एक्चुअली ये फीमेल लेपर्ड है और इसका एटीट्यूड कुछ बब्बर शेरों जैसा है. जी हाँ, ये थोड़ी रॉयल मिजाजी है. एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि हमारी 3-6 की जो सफारी थी वो डिपार्टमेंट ने 1 घंटा डिले कर दी थी, इसलिए वो 4-7 में ऑर्गेनाइज हुई थी. 7 बजे का टाइम हो रहा था और हमारा जंगल से बाहर निकलने का वक्त था. अब हमारे ऊपर थोड़ी कुदरत ज़्यादा मेहरबान हो चुकी थी. जंगल से बाहर निकलते वक्त ही हमारे रूट पे ट्रैक के बराबर नज़दीक ही झाड़ियों के पीछे एक शेर और बब्बर शेर सोता हुआ नजर आ गया. बस फिर क्या, हाथ में कैमरा और सामने शेर, भले ही शेर की पीठ दिखाई पड़े लेकिन शूटिंग तो करना ही है भैया. बहुत सारी जिप्सियों ने वहाँ पर डेरा डाल के रखा था, लेकिन जंगल बंद होने का टाइम था तो सबको बारी बारी से, जैसे मंदिर में एक लाइन लगा के दर्शन करवाए जाते हैं, वैसे सारी जिप्सियों को बारी बारी से इस शेर के दर्शन करवा के उनको बाहर की ओर भेजा गया. फिर बारी आई हमारी और फिर हम. वैसे ये गिर जंगल की मेरी पहली ट्रिप नहीं थी, बहुत साल मैंने इस गिर जंगल के साथ बिताए हैं. इससे पहले कई बार रिपोर्टिंग के लिए और कई बार शूटिंग के लिए मेरा यहाँ पे आना हुआ है, साथ में देवलिया और आम्बलडी सफारी पार्क की भी विजिट की है. इस धरती से न जाने मेरा क्या रिश्ता है, जब भी इससे मैं जुदा होता हूँ थोड़ा मायूस हो जाता हूँ, लेकिन फिर से एक वाइल्ड लाइफ की ट्रिप करूँगा ये सोचता हूँ और साथ में अपने आप को दिलासा दे देता हूँ. मिलेंगे एक नई ट्रिप के साथ, तब तक के लिए गुज्जू बॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलेंगे नए वीडियो में. टिल देन स्टे ब्लेस्ड. जय गिरनारी.